कचड़ू, अरे कचड़ू। क्या हो गया डेविड, क्यों रायता फैला रहा है? ओहो, तू भी यहाँ फैली हुई है। क्या कहा? मेरा मतलब है तू भी यहाँ है। मैं यहाँ नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? मेरे बेटे का घर है। अरे तो मेरे भी बहू बेटे का घर है। अच्छा, अब तक एक भी झुंझुना लेकर दिया कचेड़ू को? ये इतनी बड़ी जायदाद, रुपया, पैसा क्या छाती पे धर के जाएगा? अरे कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। अरे अपनी जबान पे लगाम लगाओ। लगाओ 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 लगाओ। चाचा जी, अरे खुजरा कैसा है कचेड़ू? बस बस चाचा जी, वसीयत हाथ में आ जाए तो अच्छा हो जाऊंगा। प्रणाम चाचा जी। अरे खुजरे जीती रहे हो। अब मैं क्या बताऊं, देख बरसों से मैं तुम दोनों को जो है गोली देता आया हूँ। हाँ चाचा जी, आपने आज मान लिया ना कि आप हमको इतने दिनों से गोली देते आ रहे हैं। देख मैं तुझे असलियत बता रहा हूँ, एक्चुअली गोली मुझे भी मिल रही थी। बहुत बड़ा गोलीबाज है तू डेविड। और तू बहुत बड़ी अदावाज है। चल बदतमीज। चाचा जी, मम्मी जी, अगर आप लोगों की नोकझोंक खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बात कर लें। अरे तू इतनी उतावली क्यों हो रही है? देख मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि सारा काम हो चुका है। मेरी जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, वो मैंने खचेड़ू के नाम कर दी है। सच? Oh my God, दिखाओ। देख ये रहे प्रॉपर्टी के वसीयत के पेपर। अरे वाह चाचा जी, वाह, यू ग्रेट चाचा जी। ये देखो, ये देखो। Oh my God, देखो देखो देखो। God, Anu, 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 now I am one of the richest man in Kanpur. Yes, Vibhu, we are rich, we are rich, Vibhu, we are rich. मैं आपको इस ₹10 के नाम प्रॉपर्टी करने दूंगा नहीं। कमीने, क्या किया तूने ये? आप चाचा जी सालों से मुझे गोली दे रहे हैं और आज आप प्रॉपर्टी इस फ्रॉडे के नाम कर रहे हैं। मैं इसका हकदार हूँ। मेरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा। मैं आपका भतीजा हूँ। हाँ चाचा जी, हमारे साथ पूरी दुनिया ने दगा किया, कम से कम आप तो अपने भतीजे को पहचानिए। चाचा जी देखिए ना, इतने नॉनसेंस लोग हैं ना, इतने नॉनसेंस लोग हैं ये। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को। ये अपने आप को विभूति और वो अपने आप को तिवारी बताता है। सिली पीपल। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? तू मेरा भतीजा कैसे हो गया? मेरा असली भतीजा कचेड़ू ये है। चाचा जी, चाचा जी आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। अरे मैंने बचपन में से दूध पिलाया है। डेविड, अरे बोतल से पिलाया है। मैं कैसे बोल कर सकता हूँ? और तू चुपचाप क्यों बैठी है ये बता, तू भी तो कुछ बोल। अरे मैंने तो इस कमीने की खूब कुटाई करी है। अब मौका है तू भी जरा हाथ धो ले। चल चल, मैं भी हाथ धो लेता हूँ। चलो हटो यहाँ से, कहाँ से आ गए तुम लोग? मर गया। अरे मेरे लाल, मेरा कचेड़ू कैसा है तू? अरे बहुत प्यारा, एकदम गोलू मोलू सा है तू तो। अरे अरे बस बस बस, दूसरे पेपर रेडी हो जाएंगे ना। हाँ, टेंशन मत ले। चाचा जी एक बार और वसीयत बना दीजिए ना। ये तो जेरॉक्स कॉपी थी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। अरे अरे अंकल जी आ गए। अंकल डैडू। अरे लौंडो लौंडो लौंडो, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो बाहर बैठे हुए? डैडू आपने हमें पहचाना? कैसी बात कर रहा है कच्चा बनियान, मैं तुमको नहीं पहचानूंगा? मतलब मैं पागल हूँ क्या? अच्छा बताइए मैं कौन हूँ? और तू एक इंसान है? अच्छा बताओ मैं कौन हूँ? तू भी इंसान की औलाद लगता तो है। अच्छा चलो, मेरा नाम क्या है? इम्तिहान ले रहे हो क्या? नल्ला। Okay. और ये अपना कच्चा बना। अरे वाह! क्या बात है डैडू, आपने हमें पहचान पाई। अंगूरी, अंगूरी जरा बाहर आओ, देखो डैडू ने हमें पहचान लिया। मसला क्या है? प्रॉब्लम क्या है? It's okay, it's okay. हाय दिया, ये कैसा शोर है? डैडू! मेरी बच्ची, मेरी लाडली। अब नाम करे डैडू। जीती रहा बेटा, खुश रहा। कैसन बा डैडू? मैं खुश हूँ मेरी बच्ची। तू बता, तू ठीक है ना? हम भी ठीक बा। डैडू, डैडू, डैडू। Please, 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 come on, come on. हाँ, अंगूरी। तो बेटा ये दोनों आवारा लौंडे कौन हैं जो इतनी देर से डैडू, डैडू कह के मुझसे बात कर रहे हैं? हमको ना ही पता डैडू। क्यों बे कच्चा बनियान, कौन है ये आदमी जो इतनी देर से तू जैसे घटिया आदमी की जगह लेने को तैयार है? ये कौन है ये? अरे डैडू, पता नहीं कौन पागल आदमी है जो हमारे और अंगूरी के बीच हाथ धो के पड़ा हुआ है। अबे तो पागल है तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये? इन दोनों को पागल खाने भेजो। और सही पकड़ा। हाँ डैडू, शांत हो जाए, गुस्सा ना कीजिए। अंदर चलिए, आपके लिए और लड्डू के भैया के लिए अच्छा सा चाय बनाते हैं। हाँ, मेरी बच्ची चल। सुनो बे, बात करो इसको ठीक से। पकड़ 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 पकड़। आओ आइए आइए डैडू। और कच्चा बनियान, तेरा काम ठीक चल रहा है? बस आप आजा आजा आजा। तिवारी जी, ये बुढ़ा भी जमाने के साथ मिल गया। Now there is no place for us. तिवारी जी, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपने जीवन का एक बहुत ही अहम फैसला ले लिया है। कैसा फैसला भगवती जी? खुदकुशी, सुसाइड। आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ। लेकिन ये तो पूरा के पूरा जीवन नष्ट कर देने वाली बात हो गई। बचा क्या जीवन में भैया, नष्ट कर देने वाली बात। यहाँ के लोग, ये शहर, सब हमें अजनबी कहता है। हमारी बीवी हमारे हाथ से निकल गई है, तो बचा क्या है? कद्दू दाने? बिल्कुल सही कहा भभूति जी। ये दुनिया खुशफहमी का वो जार है जिसके अंदर रिश्तों की अनगिनत मछलियां तैर रही हैं। जबकि खुशफहमी का वो जार टूटता है तो ये मछलियां तड़प तड़प के दम तोड़ देती है। मजा फरमाया तिवारी जी आपने। खुशफहमी के ऐसे ही एक जार में मैंने रिश्ते की एक मासूम सी मछली पाली थी। अचानक सच का पत्थर पड़ा जार पर, चार चटक कर चूर हो गया। वो मासूम सा रिश्ता मेरी आंखों के सामने चकनाचूर हो गया। हमने भी बुना था खुशफहमी का एक स्वेटर, एक एक फंदा अरमानों का उसमें डाला था। तभी सच का बंदर आया, छीन कर ले गया हमारा स्वेटर और तार तार कर दिया अरमानों के स्वेटर को। कैसी मौत मरना पसंद करेंगे आप? मौत का भी मेन्यू होता है क्या? हंस के मरना चाहेंगे, तड़प तड़प के मरना चाहेंगे, रो के मरना चाहेंगे। आज मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के जहर हैं। अगर आप तड़प के मरना चाहते हैं उसके लिए भी है, आप खुश होकर मरना चाहते हैं उसके लिए भी है, आप रो के मरना चाहते हैं उसके लिए भी है, और अगर आप कुत्ते की मौत मरना चाहते हैं तो उसके लिए भी जहर है। कुत्ते की मौत नहीं, खुश होकर मरना चाहते हैं। ओके, गुड डिसीजन तिवारी जी। आई ऑलवेज थॉट यू आर अ वेरी सेंसिबल मैन। ठीक है, जाइए मार्केट से जहर ले आइए। जाइए तिवारी जी, आप तो जानते हैं मैं फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। लानत है आप पे यार, जहर तक के पैसे नहीं, आपको तो मरने तक का हक नहीं है यार। चलिए जाइए, अंतिम एहसान भी हमने आप पे किया। तिवारी जी, एक एहसान करना मुझ पर कि एक और एहसान करना मुझ पर। थैंक यू सो मच। जहर ले लो, जहर ले लो, खट्टा मीठा नमकीन, जहर ले लो, जहर ले लो। अबे लौंडो, तुम लेमन जूस की गोली बेच रहे हो, जहर बेच रहे हो, खट्टे मीठे नमकीन है। भाई साहब, वो जमाना गया जब कड़वा जहर मिला करता था। अब मार्केट में कई कई तरह के अलग अलग प्रकार के जहर के फ्लेवर उपलब्ध है। हाँ, एप्पल फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कॉफी फ्लेवर, साहब हैं। तिवारी जी मैं तो अपना फेवरेट फ्लेवर लूंगा, कॉफी फ्लेवर। आप केला ले लीजिए, मतलब आप बनाना फ्लेवर ले लीजिए। नहीं हमें मैंगो चलेगा, मैंगो फ्लेवर। लॉन्डो इसका असर कितनी देर में शुरू हो जाएगा? बस सर मुंह में रखिए और 2 मिनट में टैं बोल जाएगी। ये सही रहेगा क्योंकि हम तड़प तड़प के मरना नहीं चाहते भगवती जी। जे लो ये लो। तो भैया कॉफी फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर मिलाकर हो गए आपके 5000 रुपए। 5000? अबे ये तो बहुत ज्यादा है। भाई साहब सब कुछ यहीं पर छूट जानो है तो फिर क्या सस्तो देखनो और क्या महंगो देखनो, मर जाओ। लॉन्डे ठीक कह रहे तिवारी जी, अब क्या पैसा देख रहे हैं आप, दे दीजिए अब क्या। ले यार ये ले बे, मर। अरे वैसे भी हम दोनों की बर्बादी में तुम तीनों बराबर के शरीक रहे हो। देखिए पूरे यस ओके। चिंटू भैया मिंटू भैया बाय 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 बाय। हॉट तिवारी जी अब बर्दाश्त नहीं होता। ये लीजिए अपने ग्रीन मैंगो और मैं अपनी कॉफी फ्लेवर। चीयर्स। चीयर्स। नाइस टेस्ट है तिवारी जी, आई लाइक दिस कॉफी फ्लेवर। नाइस। हमारे देश में जहर ने भी काफी अपग्रेड किया। लगता है जहर ने आप पे असर करना शुरू कर दिया। हाँ हमें हिचकी आनी शुरू हो गई है। मतलब कोई भी हिचकी आपकी आखिरी हिचकी हो सकती है। आपको कुछ नहीं हो रहा? मैं मुझे भी हिचकी शुरू हो गई। तिवारी जी आप मुझे छोड़ के जा नहीं सकते। नहीं नहीं जा रहे। भभूति जी हमारा अंतकाल निकट आ गया। भभूति जी ओके तिवारी जी मिलते हैं फिर अगले जन्म में। अगले जन्म में मिलते हैं लेकिन जन्म लेने से पहले भी मिल सकते हैं आत्मा के रूप में। नहीं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तिवारी जी क्योंकि आप जहन्नुम में होंगे और आप दोज़ख में। नहीं मैं जन्नत में होगा। क्यों आपने ऐसी कौन सी घुइयाँ उखेड़ ली जो आपको जन्नत नसीब होगी? और आपने कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं जो आप जन्नत में होंगे? अरे तो हम कौन सा कह रहे हैं कि हम स्वर्ग में होंगे, हम भी तो जहन्नुम में ही होंगे। कोई भी दोज़ख है जहन्नुम नहीं जा रहा है, हम सब यहीं हैं। तिवारी जी मुझे अन्नू अन्नू जैसी कोई चीज नजर आ रही है। हाँ, हमें भी अंगूरी अंगूरी जैसी कोई चीज नजर आ रही है। हम ही हैं और हम यही हैं। और ये जो सब चल रहा था ना हम सब नाटक खेल रहे थे। नाटक खेल रहे थे? What? नाटक खेल रहे थे? जी ये जो पीटू और टीटू है ना ये मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में जो बच्चे आते हैं उनके फादर्स हैं। जी और हमारा नाम है अनूप उपाध्याय और हम हैं चोखे लाल और हम हैं अनोखे लाल। आई लाइक इट। ओ गॉड ये सब नाटक था तिवारी जी, सब नाटक था। आप बताते हैं आपको याद है वो दिन जिस दिन आप लोग बोले थे कि औरतें 1 नंबर की बॉडम होती हैं। ये भभूति जी हमारे लिए एक और बनाइए। तिवारी जी यू आर क्वाइट फास्ट। तीसरा है आपका और मेरा तो पहला भी खत्म नहीं हुआ है अभी। सब बुज़र्ड है। क्या भभूति जी की पीने के मामले में हम थोड़े बेसब्रे हैं। तिवारी जी, आपको पता है इतना फास्ट ड्रिंक नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली जाके शराब आपके लिवर को अटैक करती है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आराम से पीजिए ना। चलिए आगे से भी टाइम लगा के पियेंगे। आप बस बोलते हैं, लेकिन ना आप ना बिल्कुल डैडू की तरह पीते हैं, एक बार में ही गिलास को खत्म कर देते हैं। इसके बावजूद ये बुढ़ा बड़ा कड़क है। क्या बोले? भाभी जी डैडू बड़े स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। एक तो बार का के ना ये पीने के चक्कर में बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए थे। कैसा ब्लंडर? कहा हुआ ना कि डैडू की पीने की आदत की वजह से मिम्मी ना उनसे पिरा में इसलिए वादा ली कि आपसे आप ज्यादा ना ही पिएंगे, लेकिन उसके बाद भी ना डैडू ऐसे छुप छुप कर पीते थे। हाँ, और ऐसे भेस बदल बदल के पीते थे। तो एक बार मिम्मी ने ना उनको रेड ब्रांडेड पकड़ लिया। अभी जो रेड हैंडेड होता है ऐसे ही पकड़ा है। So cute. उसके बाद पता है क्या किया? जब रंगे हाथों पकड़े गए तो मिम्मी को ऐसे देखे जैसे कि मिम्मी को जानते ही नहीं हैं। ऐसे बात करने लगे, बहन जी कौन हो तुम, वो सब पता नहीं काका बोले। मिम्मी को सचमुच लगा कि डैडू नहीं है, कोई और ही है। ओके ओके ओके, तो ये बॉर्डरिज्म जो है आपकी फैमिली में आपने अपनी मॉम से इनहेरिट किया है। मेरा मतलब ये है कि देखिए ना, आपके डैडू ने आपकी मम्मी को बनाया और वो बन गई। भाई क्या, एक तो औरत ऊपर से गाँव की, तो बेवकूफ तो बनना ही था ना। Excuse me? तिवारी जी आपके कहने का मतलब है कि औरतें बेवकूफ होती हैं? I agree with तिवारी जी। Women are little, very, very little foolish, but they are foolish. Thank you, thank you विभूति जी। अंगूर जी आप थैंक यू बोल रही हैं? ये लोग कह रहे हैं कि औरतें बेवकूफ होती हैं। ऐसा क्या बोलते हैं आप? क्योंकि तुम एक नंबर की बॉडम हो। या देखिए देखिए अनीता जी, अभी हमको क्या बोल रहे, बॉडम बोल रहे हैं। बोलने दीजिए, इनके बोलने से क्या होता है, इनको इसका जवाब मिलेगा। और उस दिन फिर ये सोचेंगे कि बॉडम कौन है और सयाना कौन है। बस उसी समय हम दोनों ने ये ठान लिया कि आप दोनों को तो हम बेवकूफ बनाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों को ना बेवकूफ बनाना इतना आसान भी नहीं था। हाँ? और ये भी मुमकिन नहीं था कि मैं और अंगूरी जी अकेले ये नाटक कर पाते, इसीलिए हमने सारे मोहल्ले वालों को मिला लिया अपने साथ। हाँ लेकिन भैया, और आपके सारे रिश्तेदारों को भी हम अपने साथ मिला लिए, यहाँ तक कि अम्मा जी को भी कॉल करके हम सब कुछ बता दिए। मम्मी जी को मैंने तुम्हारी कसम दे दी और अपने साथ नाटक में इन्वॉल्व कर लिया, और चाचा जी को भी अपने साथ मिला लिया। और जो मेरी गोलियां थी वो रबर की गोलियां थी। I like it. सक्सेना भैया बिना टिकट के चलान कट गए। तो चिंता मत कर, इस बंदूक में असली गोलियां नहीं है, रबर की गोलियां यार। गोली मार दे ही ना। ये गोली असली नहीं है, रबर की गोली है, बस तू थोड़ी देर के लिए बेहोश होगा। सॉरी खचेड़ू बेटा, इस बहू ने ना मुझे तेरी कसम दे दी थी। हाँ खचेड़ू, तेरी कसम देके मुझे भी मजबूर कर दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। Bye everybody, I'm going, I'm a goner. हमने जहर खा लिया है। मैंने जैसा कमजोर कमीना घटिया चाचा नहीं देखा। बाय गॉड, जिंदगी भर मुझे वसीयत से महरूम रखा इसने, और अब जब मेरा चलन चली का टाइम आया तो ये आदमी हंस रहा है। he's enjoying the situation, तिवारी जी। भगवान ऐसा चाचा दुश्मनों को भी ना दे। अबे गधो, जो टॉफियां तुम लोग चूस चुके हो और मैं लंदन से लेके आया था, मैंने इन लोगों को दी थी। हमने तुम्हें दे दी। चल बे डेविड, अब पका मत, ड्रिंक बना एक। पटियाला बार बार क्यों पूछता है? अरे हाँ तू। और तुम लोग ये मेलोड्रामा क्यों कर रहे हो भाई? कोई जहर वहर नहीं खाया, चलो उठो। हेलो, I'm sorry, I'm genuinely sorry। भाभी जी Anguri, I am also sorry. Very sorry. चलिए sorry ले लिया आपका, लेकिन आप ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? जहर थोड़ा ना खाया आपने, उठिए। आइए लड़के भैया। चलो भैया। देखो कैसे बेवकूफ बना दिए। चल भैया मास्टर। संस्कार। अब संस्कार गया गुड़िया के खेत में। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौटे आइए।